Super DJ. Bat utra lawan bat ula yeng bat ula khot pumba manchua Samuel Samuel keu Samuel ulong dokren nama ushakri jongme uyosno. Padi je ko hindi me hindi me padi. Hindi me paro koi. Koi. Pas Samuel triten pas Samuel triten. तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा सम्वेल 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 ने कहा हाँ क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। देखिए ये किस तरह परमेश्वर की आवाज को सुनना आज ये जरूरी है। भले ही इधर का मंगन सियोसो या सुर का जंगले क्योंकि सामने एक छोटा सा लड़का था। नमर वो सामने लोग खना बरा बरंगरे परमेश्वर ने उसको बुलाया उबले वाला खड़ी हूँ क्योंकि उसके जीवन में कोई उद्देश्य था। लेकिन सामने ले कब कब उसके परमेश्वर की आवाज को रिस्पॉन्स जंगले पहले भी परमेश्वर ने उसको बुलाया एक बार बुलाया दो बार बुलाया लेकिन तीसरी बार तब उसने कहा परमेश्वर आपका दास यहाँ पर है। उसके बाद जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना आप जानते हो ये होल बाइबल ये सामिल में क्या है माइटी प्रॉफिट माइटी प्रॉफिट शक्तिशाली भविष्यवक्ता प्रॉफिट बखरा कथा शक्तिशाली प्रॉफिट बखरा फास्ट भविष्यवक्ता है ये कहीं फास्ट बंगे लेकिन ये भविष्यवक्ता भी इतने इजी से इतने साधारण से नहीं आया खबर कथा जिंगे थोल पर कम से मुलावन खबर खबर सब इसकी माँ हन्ना नवा कमीज का कहना रोती थी का याम दुआ करी का दुआई क्योंकि एक बाँच थी कोई का खड़ी कलिंती लेकिन वो रोती थी परमेश्वर के साथ अलिंकी सर आई डोंट नो सर खड़ी का बाबरी का बलिंकी लेकिन वो परमेश्वर के आगे रोती थी काले अखबार जो उबले बका याम परमेश्वर को पुकारती थी बका ऐसे खट या उबले देखिए अभी बांझ होना मींस गर्व ही नहीं होना है पर रालिन की कम यू कंडम देगे और कब्री बने कभी अकुन फिर भी उसने परमेश्वर को भरोसा रख कर दुआ की कुंतारु कथा कब्री काल लेक बन बन गार्डन का जिक्र मन उसने भी एक वाचा परमेश्वर से बांधा था पर गार्डन का तो वही वही इसी का पान लो उबले तू हन्ना कहती है पर वो हन्ना कौन अगर आप दादा मैं मुझे मैं आए एक लड़का देंगे आए ना खुश रहा वो लड़का को आपको उतार खुश रहा समर्पण करूंगा आए पक्ष में लेकिन जैसे उसने कहा बरहा परमेश्वर ने उसका घर को खोल दिया परमेश्वर हन्ना के गर्भ को खोला उसका नाम सामुएल था सामुएल बाइबल के अनुसार फर्स्ट प्रॉफिट बाइबल फर्स्ट प्रॉफिट और वो माइटी प्रॉफिट प्रॉफिट बखरा होता जिसने साउल का एनाइंटिंग किया दाऊद को एनाइंटिंग किया लेकिन सुनने में तो सामने साधारण सा लगता है परमेश्वर का माइटी प्रॉफिट होना मामूली नहीं प्रॉफिट बखरा कम देगा बसो मैं इसलिए मैं हमेशा प्रभु को जब धन मैं जब आराधना करता हूँ मुझे वो परमेश्वर का वो अनुग्रह मुझे समझ याद आता है हपर बा शक्रिय हपर बा माने उतराय रास्तो एक जिन खराब हो जाऊं एक समय मैं रास्ते पे सोता था हपर डन हपर वो एक हपर मुझे त्याग सरक अभी भी कितना अच्छा सा खाना मिल रहा है मैं तांगा यो का बाम बस भा एक दूसरे में डस्टबिन से खाए मैं तो हपर का बाम इसलिए मुझे दाना का डस्टबिन दाना का एक एक बहुत मूल्यवान अंदर से दूध दुखता है लादा का ब्रेड आप जानते हैं नाइजीरिया में नाइजीरिया देखिए वहाँ पर का हालत कैसे खाने के लिए बच्चे लोग मर रहे हैं नम तक बाम नम कि यो बाम तो का जगह एक दाना कितना कीमती है हमारी वे वे सो का जगह लोग का लोग फरदर हर को ताता इसलिए मैं रोता हूं नकदा हुआ याम क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाया हमारे उगले जगह वाला से है नम लो जो जीना भी नहीं चाहता था उता उबरे बम को आशा बन एमरू जिसके पास होप ही नहीं था बम दर्श तक जिंकर मैन मुझे लगता कि संसार की चीज मुझे सेटिस्फेक्शन दे गया अंगशे पखत बकाने का होने के प्रत्येक आए तक जिंसो का पहुंचना उस समय एक चलन था हता पर कदम हॉट चिक अगर सुंदर गर्लफ्रेंड होगी तो हाँ लापागंदा बंदन ऐसा वही
गर्लफ्रेंड बा फबरे अगर हैंडसम बॉयफ्रेंड होगा तो बंदन बंदन का ही बॉयफ्रेंड बा उसका एक अच्छा पर्सनालिटी होगा बंदन का तो पर्सनालिटी का इतना ये सब फेक है कहता का भाई लोग फेक बोलो कल का जो स्किट है एग्जैक्टली मुझसे रिलेट कर रहा था तो स्किट के बाप इमेन कहता का रिलेट है पर जगह चिंगम जगह इसीलिए मैं यूथ मैं तो कहता हूं आप ये जीवन का महत्व मैं समझाना चाहता हूं वहां बंगम बंगम का से थोड़ी फी बकता का जिम का जो फी का कॉर्डर हटो का कहता ये जीवन के लिए किसी ने स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया है जिम का जो फी डन अवे वन वन ऑफ द ब्रिंग वो यीशु क्रिस्ट है दैट इज यीशु क्रिस्ट जो हमको जीवन देना चाहता है दैट इज यीशु क्रिस्ट बको आप आए जिम में कभी कभी मुझे दुख लगता कितने लोग चर्च चलो संगति चलो तक तक गए कसका डन का यीशु सिर्फ आए जगह हम और यहां ले चाहिए ये ट्रायल रे कि ओ माय एम लेकिन जिस दिन आप इस जीवन के महत्व को समझते ना फिर लसुत हो ये कहता जिम का वशिशा आधा घंटा पहले आप चर्च पहुंचेंगे हां शिंदे का शोक पर सप्लाई आराधना करेंगे डुआई अब जिंदगी भर धन्यवाद धन्यवाद देगा ना परमेश्वर जी काम पर जाएगा फिर आई मोरु कानुम डप कहता जी आई जो काम पर जाएगा चलो कसा ढूंढना सी ढूंढना जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया वो काम पर जाएगा काम पर जाएगा वो जी मुझे नहीं कहता जी आई जो नहीं कहता ढूंढना हद वाला हद वाला कहता परमेश्वर होने पर भी वो तो ब्ले बोलो यीशु क्रिस्ट आपके लिए मेरे लिए पाप नमता जो भी बचेगा वो शिव में कहता पाप आप जानते हो पाप बोले फिर तेरे पाप कैसा घिनौना पाप ये बोलो इजली ये तो पाप जिसका ज्यादा बाइबल बोलता है मृत्यु है कहता है बका पाप करेगा जिंगिया इंसान को लगता है हम सो जाएंगे बहु तो किबुन किबरी की अम्बा गंगन थिया ना हमको दफना दिया जाएगा गंगन थिया का पाप गंगन थिया का पाप दफना दिया जाएगा बागन गंगन वशा टेप या जला दिया जाएगा बलाने वशा थान उसके बाद हो गया बस खत्म कहानी बट कथा का आपको खचिंगम जोंगी उसके बाद और एक जीवन है बरहादीन कथा का जैसा कोई पर खचिंगम अगर आप बाइबल पढ़ेंगे बोलिएगा बाइबल यीशु कृष्ण का उम्र के जी उठेगी क्योंकि हमारा आत्मा मरता नहीं नंबर उबले वमा ला ला पिया रोपन एम पा नंबर यीशु एम ओ या ओ एम पा नंबर बात का कम से जी का नुमिया बदल लो रम स्वर्ग दूत भी नहीं मरते ओ के अंगल कि नुम कि जी आप लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग दूत से भी ऊपर हमको स्थान दिया है ओ यीशु आएंगे का अथॉरिटी कम कम चलो रे कि वाले कि अंगल रो हमको बच्चा कहा है ओ खड़े की कौन वो गंगा आता है ओ कुदो एंगे वो हमारे हर एक पापों को नजरअंदाज क्यों करता है व्हाई व्हाट कितना पॉप का बेंगी ला ले वन वन के डब बेंगी क्योंकि वो हमसे प्यार करता है नंबर वो ये जेंगी इसलिए मुझे खाना का क्यों इतना कीमती मुझे लगता है भले लोग कोडो रेंगा था व्हाट का जिंबामरु एक समय में डस्टबिन से हो कंटेनर डन की पोर की बांगे बम ने का डस्टबिन कंटेनर को दाना दाना में खाया मैंने ऐसे शिमला डस्टबिन वैसे बम मुझे सोने के लिए मैं घर घर में जाके कपड़े चोरी करके मैं सोता था शबंगन बंगन को बंगन थेर हुआ और लिख बंगन शिम शिम के तक जाने मैं लिख शिम में मां नहीं थी गमदन के में मैं मां के लिए तड़पता था को ये कहता लेकिन आज ये इतना सुंदर ये जीवन है परमेश्वर ने दिया मनता हूं आई यहां तक जिके मुझे यहां तो शैतान हमारे पीछे पड़ा है वो बमन वन बोत ने जो है कब से कहते परमेश्वर के निकट आओ तकदा वो खिंच बोले ओए ले मगर जिंका जो भी तुम्हारे निकट आएगा और वन वन हजार जगह तक वन हजार चौपी मुझे कभी कभी मैं जब हमारे उधर एक यूथ लोग को देखता हूँ हाँ बांगा पे एक यूथ हम तो अंदर से दुख लगता है डन का चिंपांग हम पमसिल जगह वो जानना नहीं चाहते कि उसका बनाने वाला कौन है किमते उता ए उता उन्हों था जो अगर वो जानते लारा किला आते तो उसका आराधना करते किला ले बनी मानी वो आजकल के बच्चे लोग एक चोर हैंडसम आए उसके लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाता है उसके लिए उसके पर थे उसके लिए उसके पास समय नहीं होता मंगल पर रहता सुमु लेकिन एक दिन भाई याद कीजिए हां वही सी फिर से करना जिस दिन हमारे शरीर से प्राण निकल गया हां वही सी हवा का मैं सिर्फ जिंग का नहीं ना नहीं करना नहीं का डो जोगी उस समय हमारे पास समय नहीं हो तक पर निंदर शो का तक पर उस समय हमारे पास निंदर शो का तक पर कितनों को लगता मैं ये करूंगा वो करूंगा बरो की अंग मगन ले एक नहीं ले एक था मेरा भी बहुत इच्छा था मारू का डर शिपोन की तक जियांग लो रहा डरो जगह मैं एक डायरेक्टर बनना चाहता था को बोलूं डायरेक्टर मैंने कितने बायोग्राफी भी बनाई मेरा शना की शिपोन की तक की तक जी जी परिंग डर बायोग्राफी मैंने बनाया शना शिपोन तक जी रंग डर आप विश्वास नहीं करेंगे तुम ला बन गए मैं एक रेड लाइट एरिया पे गया मुंबई पे मेरा लेके तक रेड लाइट एरिया पे डन की प्रोस्टिट्यूशन जहां पर मैं गया हफ्ता का पर मंगेश ले बगल ले मैं गलत काम करने के लिए नहीं गया मुझे बगल ले सोचे नहीं बगल ले ले काम उन्होंने बस नहीं हो मैं डॉक्यूमेंट्री के बनाने के लिए गया ले बनना डॉक्यूमेंट्री हता का जाकर जब मैंने उसको 2000 दिया हफ्ता पर आया का 8000 तो मैं अंदर गया रूम हता का कमरा छोटी सी बहन थी दोनों भी थे बगल ले ऐसे 16 साल की खरकुमा खंडू से नहीं आई वो नेपाल से थी डेना नेपाल उसको मैं फिर से मुझे गलत मत सोचे वन ऊपर खसने हुआ मैं गलत करने के लिए नहीं देर वाले खसने होता क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बचना फिल्म बचना डॉक्यूमेंट्री हता का बहन से मैंने बात की अब अगर करण बताई पारा
तो उसने बोला बहन आप क्यों ये काम कर रही है? वहाँ कली अम्बले फिले एने का काम मैं जान मुझके नहीं किया मुझे वहाँ गले खाना एने का काम मुझे नर्सिंग बोल के डर बांगन ट्रेन नर्स तो हम लोग कोचिंग के लिए पैसा दिया मिला गया आए का पैसा बले बले कोचिंग एक ब्रोकर को डर उधर था वो ब्रोकर बैठे ब्रोकर पहले तो मुझे दिल्ली लेके आया उतना ब्रोकर उसे उलाइला में की शटली मुंबई लेके आया उलाइला नडली से मुंबई और मुझे यहाँ छोड़ बट उलाइला उला बो यहाँ हमने कुछ पता नहीं डर से एयर कमते हमारा भागता क्यों नहीं बले फिर फेंक आने बाहर में देखा अपेक्षा बाहर ऐसा छह बॉडी गार्ड लोग डन की बॉडी गार्ड के ये लोग पाना था बहुत बड़ा बड़ा हाइट की बात चुराव है लोग तकता तो मुझे दुख लगा हतक पर का मसीब जगह का सोसी आज मुझे ये कहना चाहता हूँ बरगा को आप अपने फिल्म तक सी बहन को परा आज अगर आपने ये परमिशन को नहीं जाना दादा फिल्म इथो ये उन्हें तो ब्ले जंपी वो बहन उस अंधकार से निकलना चाहती थी ता कथा का कथा का पर कथा को अपन मी ना कथा का जाकर रे लाइन एरिया विश्वास नहीं करी उसने मुझे पेट दिखाया हतक पर अपन ये कथा ये तक सीक्रेट से जला हुआ dan nak ada ki dak mau jaga sigret apa apa orang kan blade se kaat ya dan ka jin shak blade usko torture karte the cha torture ya kan main usko dekh ke mere ruh kaab uthi haba pe ya kan kadam ka jin khnyo apa ka download ha ka ha ha wo andar hi andar tarapti thi apa apa ka jonka wo se nikalna chahti thi ko apa ka la yang sa jaka lekin majboor thi dekh bolung bolung maman se फिर मैंने जब बाहर देखा छोटे छोटे बच्चे लोग हाँ बांग आप ही हैं तीसरा कदम आप बच्चे लोग थे कुछ ना बता रहे डर रहे मैंने पूछा वो बच्चे लोग अंग के लिए कुम कितने के पास कोई कोई कस्टमर का स्पर्म अंदर बैठ जाता वो घर में हो जाती है डर का बलारू क्या क्या ले बम नहीं चका बम नहीं कोई ज्यादा पैसे दे के स्पर्म को अंदर ही गिराना चाहता है डर की बुबन आई पिसा क्या ले तो काम बम नहीं आज मैं ओपन माइंडेड हूँ मैं ओपन हो रहा हूँ आज बंगालों ओपन माइंडेड मैं फ्रीली बोलना चाहता हूँ आपको बोलो फ्री है फ्री वो इंसान ज्यादा पैसे दे के स्पर्म उसके अंदर गर्भ में गिराते थे डन की बाबा आई पिसा शिबुन वो प्रेग्नेंट हो जाती थी और वो बच्ची बेटे होते तो बेच देते थे दादा लोग बेटे बेटे लड़का दादा लोग शिद्राम था बेच के लिए निकले के लिए बंदे जो लड़की होती थी कलंक ने पिता की शिद्राम कि नंबर पे की हबियो बंदी की तो की खंडा किले बनियो शंखा बेरो कतन थे तब बन पनियो बन आए तो स्पॉम शक की कतन थे खलाव बनियो बन खा कुल ये तो कुल नंदा खा बनियो बन दी पात बन पनिया ढका अगर लड़का होता है लड़का बेचते हैं दीनो लड़का दी कतन थे पात पनिया ढका लड़की उधर ही रखती ये की कतन शे बुबे छोटे छोटे की कतन थे मैंने बोला ये लोग बकी नहीं पात हमारी तरह कलाम कुम कुमंगी है मेरे अंदर से मैं रुक गया apa jangan kadam ke jin kenyo ki tu nusa permission ko nahi janta hata por ma pat yo bat pat yo to play hamesha mere liye prem hai hamesha main wo behan ko yaad karta man ka singe man ka porna shikan ma bhai tai para aaj tum swatantrata hai yeshu ke lahu ke dwara aaj hum aap aur main swatantrata hai tera naam ko jogi ni along bala lo jahan ke por main aapko kehna chahta permission ne aapko aise nahi chuna de ba uji singa uji aap hi ne bewaja nahi hai kadam ka plan ke ke ba yeshu dan ka chinga you have a purpose in your life kadam ka purpose ka chinga ke jopi यीशु ने आपको चुना है ब्ले यूला जीडीपी वो बहन को देखिए बैठ या तक परा बड़े बाहर निकलना चाहती थी क्या बनमी शबार आज तो आपके बड़े बड़े फैमिली है खाना है आईफोन दिया जाता है परिवारों से डन का फैमिली का बाप अपन भी ना फिर ना दो शटाउन वो बहन को सिर्फ एक टाइम दो रोटी देता ये कथा का खाना अब तक शीशी से आई अब तक शीशी बाप क्योंकि भूख के मारे भी वो गलत काम करे नमता नमता का पो खाना बन ले खाना बन ले काम तो शैतान ने तुम ताऊ बमन वाले परमेश्वर की सृष्टि का ऐसा हालत बना दिया उताऊ बमन वाले हमें जब मुझे कचिंग था जो कब जानेंगे हमारा जीवन क्या है बगाता कचिंग जिंगी कब जानेंगे बिंते भी कचिंग जोपी हमारा जीवन ऐसा नहीं है कम दे कचिंग जिंगी कुम्ता मैंने जब ड्रग्स खा के मैं रास्ते में सोता था उस समय मैंने चाला हपर बगा दी ड्रग्स का पत्ते करने नहीं हुई जब मैंने दस पीस खाना था तब मेरे चाला मेरा जीवन हपर बगा बाद में दस पीस हटा बस धोए का तकाशा कू है मैं डन का तका मैं सिर्फ पहुंचूंगा मैं साधारण नहीं हूँ हम दे बशुलों मन 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 मना मैं परमेश्वर का सृष्टि हूँ आधे तो शक्री जंगल आज से तना को हाई फाई लाइफ दिखाएगा मन आए का हाई लाइफ का लाइफ का बाग हलो हटो को तकता आपको लगता है कोरियन पॉप सेलिब्रिटीज क्या है एक बात कोरियन पॉप की सेलिब्रिटी एक बार देखिए उनके लाइफ को पेट के चिंगम चोंकी श्राप पीते कि दी वो अपना लाइफ इंडिपेंडेंट जीने पाते क्योंकि अपन एम कोरियन पॉप कर मैंने मेरे जिस जो मेरा मेंटर था कोरियन एक लड़की थी डंट कोरियन बोलो मेंटर मेरी थी कहते मेरी वो कोरियन थी वो कहता रही कोरियन मेरे मेंटर थी बोलो मेंटर मैं कहता हूं बार-बार कोरियन पॉप इज वेरी श्राप कर्ज है उसने कोरियन पॉप का लोग कहता चिंगतेम जिस तरह आप जानते आदम को जिस तरह एप्पल दिखा के
खींचा गया तो पाप में गिराने के लिए। कुंभा अपन ये आदम अपन ये तो सो आज के टीनेजर को भी कुत्ता ये वर की खेलना टीनेजर बता। इसी तरह के पॉप सेलिब्रिटी ये सब दिखा अपन यलम यला पीछे के पॉप इन तक ये जमाने का पता है। मैं सिस्टर से क्यों अप्रिशिएट मैं बहुत क्यों मैं ब्लेस हूं बोलेगा मैं अप्रिशिएट इज अ ब्लेस नाइस सिस्टर। उसने जो थीम रखा भाई मतलब कहेगा थीम का लाभ कि परमेश्वर में आनंद कर सकते हैं परमेश्वर में भी आनंद जॉय नीडन कहता कहता के चिकमैन परमेश्वर में हम एंजॉय कर सकते नीला अपन बंगला अपन एंजॉय परमेश्वर में आने वाह ये यूथ के इतने परवाह क्यों करते हैं भले लोग रिस्पांसिबल है कि यूथ ताकि यूथ नाश ना हो जाए खलम मत यूथ किनम जा ताकि यूथ नाश ना हो जाए खलम मत यूथ किनम जा शैतान वो बमन हाथ धो के पीछे पड़ा है वो परसाव क्या ओ परसाव भले एक बनपन स्नेह भी आपके जीवन को नाश बनपन स्नेह भी लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए आई नो यू प्ले क्योंकि उसका लहू स्नान का जो हमको छुटकारा कर दिया अंधकार से श्रापों से पापों से शैतान के दास होते से अगर ये बात आपने समझ पाया एक बुद्धा हो जाएगा एज हो जाएगा तब आपको रियलाइज होगा मैं कुछ करूंगा प्रभु के लिए तब हड्डी में जान ही नहीं होगा शरीर में ताकत ही नहीं होगा अभी है मनता यू हार मनता आप जिस तरह सामुएल कुमार सामुएल माइटी प्रॉफिट लोग तो माइटी प्रॉफिट उससे भी बड़े बड़े काम आप करेंगे फिर आप ले उससे भी बड़े बड़े काम खराब की काम ले इतना इतना नहीं की बड़े 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 काम आप करेंगे खराब ले इतने की काम ये अगर आप लड़ापी अपने कॉलिंग को लेकर सीरियस हैं लड़ापी फिर सुथो एक तक कॉलिंग का बाबू ले लो खड़े फिर परमेश्वर ने आपको यहाँ पर ऐसे ही नहीं बुलाया ले जिंगे उम्दे बशु वाला में फिर हने का जगह आपके जीवन में कोई योजना है एक बथमा जब सामने छोटा था हपर पर समझ नहीं पाया सुथो एक था एक बार बुलाया परमेश्वर ने दो बार बुलाया ऐसे लो खड़ लेकिन तीसरी बार जब उसने रेस्पॉन्स किया वो एक माइटी प्रोफेट माइटी प्रोफेट लेकिन बहुत से लेकिन मैं पूरा नहीं जाऊंगा बोन सी बोन जाऊंगा लेकिन वो किसके अंडर में रहा मालूम एलिया के जो एलिचा एलिया के द्वारा वो एक माइटी प्रोफेट एली के द्वारा एक माइटी प्रोफेट बना इसीलिए परमेश्वर भी आपको अभी पवित्र आत्मा दिया है आपके लिए मेंटर है इसीलिए बोलते नम्र बनो बल्लों की बसगोर हम्बल क्योंकि बाइबल का एक बार तीन के जंग ब्ले बने पुले पुले भजन संगीता 25 संगीता साम 25 नाइन नाइन लेकिन पुले वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा हाँ वह नम्र लोगों को अपने मार्ग दिखाएगा अमन पुले बोलो ठीक है Ya ubat jam lut anyalam ha wajing bisan bat ya la kalenti unikai ha ubat jam lut baro kirenti ya jong utrai kilong kacing le isn a bat kacing sisha ha kita di basumar ya kajutang jong u bat kacing kla jong u वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा हाँ वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा हमें यह किताब बसुर और आए जो नम्र लोग है उसको मार्ग दिखलाएगा उस समय मेरा कोई भी मेंटर नहीं था पर उन्दर मेंटर रहेगा मनु मनु रहेगा मुझे उस कोरियन ने मुझे सुसमाचार सुनाया था मैंने कहा जिस दिन से मेरा पवित्र आत्मा को बपतिस्मा हुआ पर बंगा लापन बपतिस्मा में सिम खोज उस समय परमेश्वर ने मुझे लेके गया हां तक पर जीसस लायला में गया इसलिए मैं देखिए क्यों अपने आप को हर एक के सामने मैं अपने आप को नम्र करता हूं भले हां जो लोग बस हो रहे मैं बच्चे से भी छोटा बन जाऊंगा अकेले बन लूं मुख नारे रो क्योंकि मेरे परमेश्वर ने नम्र बहुत ले जगह ये सब कुछ बनाने के बावजूद भी वाला उलाशना है कि एक जोने का ऊपर ये बढ़ता है अपने आप को इतना छोटा कर उला पर रेड हेडो का तकता ये लदे दास बनिया इसीलिए कभी कभी मैं कोई कोई लोग बोलता हूँ राज भाई बहुत अच्छा प्रीच करता है तो मैं सोचता प्रभु ये क्या मैंने किया मैं आज दूसरे कुछ बोलने वाला मैं अपने प्रिपेयर करके लेकिन लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा
आपका लाइफ का चिंगम जोफी बहुत ही प्रीशियस कलों कोडर हाडो का तकता आप बहुत ही प्यारे फिलों किबा ये हाडो तकता बहुत ही बहुमूल्य फिलों किबा कोडर हाडो का तकता जी परमिशन ने नंबर बा ब्ले आपको या पी चुना है बोला जी ने पी मां के नाडो का गर्व में नाडो का पोज के में आने से पहले शाम नवर पोज के में बोला जी ने प्यार करता है नरो ई पर ने बहुत कल मुझे बहुत खुशी हुई मैंने ना कमेंट हाडो तकता कितने बहन लोग ने परफॉर्म किया उस बाबा बाबा रो गई है परफॉर्म ने ना कमेंट हाडो तकता चल छोड़ो के छाती हां ना ना लो चल ना लो ना सुखान जल्दी सच में प्रभु इतना महान है उबलेज की लो मखरा हाडो तकता जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं शायद उसका भी इसी तरह वो उसका छाती छोड़ा होता होगा क्योंकि मैं अपने बहनों से बहुत प्यार करता हूँ अपने बहन लोग से नंबर ये मेरा प्यार दिखाने का तरीका से गलत लगता होगा लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ अपने से बढ़कर प्यार करता हूँ इस तरह परमिशन ने हमने हमसे किया इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूँ परमिशन आपसे प्यार करता हूँ देखिए बुलाए तो लोग हजारों लोग हैं लेकिन चुने कोई कोई चुने लोग साधारण नहीं है आपने परमेश्वर की आवाज को सुना फी श्राप या कसुर का जवाब लाई माइटी आपके जीवन में महान काम होने जा रहा है मान काम करने वाला मान काम होने वाला है मान काम होने वाला है यही बकराव के जिया ना बचेंगे जो भी आज से बोले प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए भगवान सब एक सुन जिस तरह सब मिलने का प्रभु मैं यहाँ पर हूँ तुम बस उसे मरो आदर हमने आज आप बोलेंगे मैं कुछ तो कुछ और फिर आप बोलेंगे फिर ना प्रभु मैं आपकी आवाज सुनने के लिए सब एक सुर जो आइए खड़े हो तो ये ले लिया